पाएंगे मुकाबला? देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना जबरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं, विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और हमने उसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं, जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारे टांगे कांपने हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया है कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। हेलो मैं हूं नवीन, आप देख रहे हैं रिएक्शन नवीन। आज कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत कनाडा के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि उनका सपना होता है कि हम ब्रिटेन जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का हालात बहुत ज़्यादा खराब है। पिछले वीडियो में आगे देखते हैं उनका रिएक्शन और क्या कहते हैं। ये वीडियो है डेली स्वीक। आप मुझे बताएं कि कनाडा के पीएम ने ये बयान देने के बाद अब परेशानी मसले में फंस गए हैं, पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई पड़ी है कनाडा के, क्यों? इंडिया इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इंडिया का साथ दे रही, कनाडा के अगेंस्ट हो रही है। ये तो वाकई अजीब बात है। हालांकि कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और ये जो सिख बरादरी है ये ज़्यादातर कनाडा में शिफ्ट है, इसके तकरीबन 40% लोग कनाडा में हैं, क्योंकि वो उसको प्रेफर करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ हम कैसे ना दें, वो उनको चाहिए कि उनका साथ दें, लेकिन ये लोग उनका साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन सिख बरादरी इंडिया का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ देने वाले और लोग हैं, वो तो इनके खिलाफ है, वो तो कहते हैं हमको अलग कर दें इंडिया से बिल्कुल। अगर सिख साथ नहीं भी देंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन आप देखेंगे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, जहाँ पर आप देखेंगे इंडिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। US इंडिया के साथ है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है, बता रहा हूँ पूरी दुनिया इंडिया के साथ है। क्यों है, क्या वजूहत है कि इंडिया क्या सुपर पावर बनने जा रहा है आगे? बिल्कुल कोशिश तो उनकी यही है हम लोग सुपर पावर बन जाएं, क्योंकि उन लोगों ने देखें आप काफ़ी वो हमसे एडवांस चले गए हैं। कैसे एडवांस चले गए हैं कि उन लोगों ने पढ़ाई की और अपने जो मैक्सिमम ये काम है टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी सर्वाइव कर लिया है, वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं और हम लोग वैसे ही पीछे के पीछे ही पड़े रह गए हैं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में कह लें, अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने 2 जहाज एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं, विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया, और सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। वो जो बयान आया था उनका चीफ साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके टारगेट भी लॉक किए थे, अगर वो लॉक किए हुए थे इसका मतलब वो निशाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते अमन, वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहें और इनको मारते रहें। सर फिर हमने अभिनंदन को इंडिया ने इतना बड़ा हम पर अटैक किया तो हमने कभी इंटरनेशनल कोर्ट पर जाकर इसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया और सज़ा क्यों नहीं दिलवाई अभिनंदन को या फिर इंडिया को, इस तरह की बात क्यों नहीं? सर ये तो हमारी फौज का काम है, यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, यही लोगों का काम था कि इसको इंटरनेशनल सतह पर ले के जाते, लेकिन ये तो ले जाने की बजाय अपने चक्कर में पड़ गए कि हम तो भला चाहते हैं, हम इनकी नेक नीति चाहते हैं, वो हमारे बच्चों को हमको मारने के लिए आया। और हमने उसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं, जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने लग पड़ी, हमने रातों रात को उसको भेज दिया वहाँ से पाकिस्तान से। कोई प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी उनके साथ जंग ना हो, इस वजह से सिर्फ उन्होंने उनको वापस कर दिया कि इसको जान चढ़ाओ इससे। और प्रेशर तो जो था वो तो वर्ल्ड पावर सुपर पावर अभी आपको बताया अमेरिका है, अमेरिका इंडिया के साथ है, वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा से डालता रहेगा, क्यों? कि वो हमसे हमको कर्जा दे रहा है, जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं दिखा, मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज हो के रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा है, हम दुनिया से ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए सबसे ज़्यादा झुगिए जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है, लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं, हमारे मुल्क के अकाउंट में पैसे कम हैं, ये क्या वजह है? ये सारी करप्शन है, ये जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं ख़त्म होती हमारे मुल्क का यही हाल रहना है। आपको पता है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑन द कैमरा अगर स्पीच के दौरान कहा कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन ख़राब ना हो, जो चीज़ें हुई हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए,
आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक डेवलप कंट्री समझी जाती है कनाडा को, यहाँ से पाकिस्तानियों का मिडिल ईस्ट से कनाडा की तरफ जाना लोगों का ख्वाब है, वो कंट्री भी इंडिया के लिए आगे कहती है कि भाई हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या इससे क्या अखज़ करते हैं आप? वो सही बात कह रहे हैं, वही वो करना चाहते हैं इसे, और हमें भी हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं, यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ हमारे, हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते, जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते, और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया है कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप, ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं। सर हम यही चीज़ों को लेकर यहूद नसारा की अभी तक डेवलप की तरफ नहीं जा सके, सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरी अरब कंट्रीज देख लें कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं, वो इन चीज़ों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना, वो पूरी भी तो होनी है ना। सर मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा। बेहतर तो रखे हैं लेकिन इनके साथ हम किधर रख रहे हैं, इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते, आप रख के देख लें। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, वो दूसरा जो था पहले वाजपेयी के साथ, उसने मुलाकात की, उसका क्या 26/11 जो उसके बाद मुंबई में, उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से। आप मुझे बताएं कि वो इमेज उसके खराब हुआ, हमने उसामा बिन लादेन को यहाँ पर जगह दी, हमने जो सर गलतियाँ हमारी भी हैं सर, गलतियां हमसे हुई हैं, जब हमसे गलतियां होंगी आप टेररिस्ट को जगह देंगे तो वो टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने लाश देखी है उसकी? किसकी? उसामा की। उसामा की लाश कैसे दिखाएंगे वो? यही तो बात है ना, उन्होंने सिर्फ ये ड्रामा किया था सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए और उनको बताने के लिए यहाँ पे ये सब कुछ होता है। हाफिज सईद, हाफिज सईद ये सब लोग मिले होते हैं यार उनके साथ, सब इनकी मिली भगत होती है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बुरा बोले, बस चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक हम टेररिज्म पर काबू नहीं पाएंगे दुनिया हम पर यकीन नहीं करेगी और हम पर हमारे साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं करेगी। सर देखें अभी आपने देखा है कि फौज ने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, और मैक्सिमम फौज ने ये टारगेट अचीव भी किया है, ये नहीं हम कहते कि अचीव नहीं किया, अचीव भी किया है, लेकिन देखें जो चीज़ें हैं अफगानिस्तान के साथ हमारे साथ ऐसे ताल्लुक हैं, अफगानिस्तान को तकरीबन 35% लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रहे हैं, उनका बोझ भी हम लोगों पे है, वो हम अफगानिस्तान अब हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं। हमारे खिलाफ क्यों हुए हैं? क्यों कि हम अमेरिका से कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं डॉलर लेके ही उनको मारते हैं, हम ही कहते हैं वो सही कहते हैं किसी हद तक, लेकिन देखें हम लोगों ने कर्जा किससे लेना है, अफगानिस्तान में देगा कुछ भी नहीं देगा। तो यही तो मसला है, हमने पैसे लेके अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ जंग करवा दी, वहाँ पर देखा ना कितने नस्ल कशी होगी उनकी, फिर हम कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा हम इस्लाम का किला, तो जब इस तरह करेंगे दूसरे भाई के खिलाफ अपना घर देंगे तो फिर तो दुश्मनी तो बढ़ेगी। तो इसी वजह से वो अफगानिस्तान के लोग क्यों हमारे खिलाफ हैं, इसी वजह से है, मेन वजह ये है, वो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए बाज का तो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तानी, वो ऐसा समझते हैं, वो इंडिया को अपना भाई कहते हैं हमें दुश्मन कहते हैं, ऐसे ही है। इंडिया ने तो अड्डे नहीं दिए, अड्डे तो हमने दिए। हाँ इंडिया उनको पैसा दे रहा है अभी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये जो दहशतगर्दी कर रहा है इसमें रावलों का ही हाथ है, वही इनके पीछे लगी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें भी मान गए कि भाई यहाँ हालात हमारे ख़राब हैं, टेररिज्म भी होती है, तो अब राह कहाँ से बीच में आ गया कि अफगानिस्तान के साथ मिल के हम पर हमला? देखिए राह ने ना उसको फंडिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान में ये कभी भी पाकिस्तान को मेंटेन नहीं होने देंगे, ये कभी भी इसमें बराबरी नहीं आने देंगे, ये इनकी यही कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को डिसबैलेंस रखें, और अफगानिस्तान के अफगानिस्तान से डॉलर अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करें, ये भी क्या राह ने करवाया था? नहीं ये राह तो नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं माननी पड़ेंगी सर, जो गलतियाँ देखिए हर इंसान में गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल बैकफुट पे फेंक दें कि नहीं यार छोड़ दो इसको, पे ओवरकम कर तो सही सकते हैं ना, हम मान तो सकते हैं अपनी गलती, हाँ भाई हमारे बीच में ये खराबियाँ हम इसको ठीक कर लें, हाँ कोशिश कर सकते हैं। देखें रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे पड़ोसियों के साथ?
हमारे रिलेशन उनके साथ कभी सही नहीं हो सकते भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ईरान के साथ वो मुस्लिम बरादर उसके साथ सही नहीं हो सकते, अफगानिस्तान के सही नहीं हो सकते, इराक के साथ सही नहीं हो सकते, हमारे रिलेशन बेहतर किसके साथ होंगे? हमारे रिलेशन जिनके साथ बेहतर है ना, वो सिर्फ उसी के साथ होंगे और वो मिडिल ईस्ट है। जिसके साथ बेहतर है, बेहतर है फिर भी। आप मुझे बताएं कि आप वली अहद, सलमान वली अहद जा रहे थे भाई इंडिया G20 के लिए, पाकिस्तान तरले की हमने, हमारे पास आज आए नहीं। कैसे आए? क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आएंगे। तो आपने कहा मतलब हालात तो हमारे साथ, रिलेशन तो बेहतर है हमारे उनके साथ। बेहतर है देखे, मैंने रिलेशन बेहतर कहा, हालात बेहतर नहीं कहा। हमारे पास टीमें क्यों नहीं आती मैच खेलने के लिए इधर? सिर्फ इसी वजह से कि टेररिस्ट की वजह से, जैसे वो श्रीलंका में हमला हुआ था वो लोग उसको छोड़ गए, उसके बाद अभी श्रीलंका भी दोबारा कभी नहीं आया। इसी तरह वो हमारे मुल्क को डिसेबल रखेंगे, वो हमेशा रखेंगे, वो रखेंगे। हाँ यार, हम ब्लेम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, उनके ऊपर क्यों दे रहे हैं ब्लेम? अपना कुछ है ही नहीं है ना भाई, अपने ऊपर कैसे रखे हम ब्लेम? अब हम मुझे बताएं कि अपने मुल्क के अंदर की चीजें दूसरों पर ब्लेम करके हम ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं हम कमजोर, वो स्ट्रांग है, वो इतने ताकतवर है कि वो हमारे मुल्क के अंदर घुस के हम पर साजिशें करते हैं। सर वो भी कर रहे हैं, देखिए ये तो पाकिस्तान की और इंडिया की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ करती है, हमेशा ही करती है, बल्कि US भी करता है, US से भी सारे करते हैं, वो तो सारे एक दूसरे के साथ ये सिलसिले चलते हैं उनके। सही हो, उन्होंने कोई ना कुछ ना तो उसका नतीजा निकल रहा है। आपके मुल्क को डिसेबल करने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरी ये लॉबी चलाई हुई है जो उन्होंने चलानी है, पाकिस्तान को डिसेबल करनी है। हाँ, क्योंकि वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है ना ये तरक्की ना करे किसी। मुझे बताएं दुनिया में इतने सारे इस्लामी, 55 इस्लामी मुल्क है, कुल 200 कंट्रीज हैं, 205 कंट्रीज, उन्होंने बाकी सारे सऊदी अरब को देख छोड़कर वो दुनिया का, अब अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल तौर पर सुपर पावर है, अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट सारा पैसे के लिहाज से किसी से कमज़ोर नहीं, साजिश उन्होंने पाकिस्तान पर करनी है जो कि रोटी की जंग लड़ रहा है यहाँ पर, पल की आज की रोटी खाकर अगले टाइम की नहीं पता। मेरे भाई ज़िंदगी में सब कुछ चलता ही है, आप क्या 3 टाइम रोटी खाकर नहीं सोते? ईमानदारी से बताएं। तो मुझे बताएं आपका टारगेट, आपका टारगेट 3 टाइम रोटी का? नहीं, ईमानदारी से बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का? टारगेट 3 टाइम रोटी का नहीं है, टारगेट सारे जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ रोटी हमारा ये होना चाहिए भाई, जिस तरह इंडिया चांद पर चला गया हमारा भी डेवलपमेंट की तरफ इतना जाना चाहिए। 3 रोटी खाना कौन सी बड़ी अचीवमेंट है 3 टाइम की रोटी? आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है, इससे हालात, इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं? यार मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली है, गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में भी चले जाएं, वहाँ पर भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देख के उनकी मैशत को छोड़ दें, 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई, अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग मूंग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जो मर्जी हालात हो जाए सर, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात 70 साल हो गए हैं, ना सही होंगे और ना ही होने हैं सर। इस समय जितना हालात पाकिस्तान का खराब है उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान 3 वक्त की रोटी के लिए नहीं तरस रहा है बल्कि इंडिया 3 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप जितना कर्जा दूसरे देश से ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा इंडिया दूसरे देश को कर्जा दे रहा है। तो इसमें आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।